हाउ आई मोनेटाइज माई एनिमे यूट्यूब चैनल, ये सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि एनिमे फैंस मुझसे पूछते हैं कि वो अपना एनिमे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन और पॉलिसी का नहीं पता होता। इसके साथ साथ वो बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में भी फंसे रहते हैं। और अगर कोई पर्सन कॉपीराइट क्लेम के बगैर भी 4K का वॉच टाइम कंप्लीट कर ले और जब उसका चैनल इंटरव्यू में जाता है उसकी रिक्वेस्ट मोस्टली यूट्यूब की तरफ से रिजेक्ट कर दी जाती है, जिसका बिग रीजन बताया जाता है रीयूज कॉन्टेंट। तो आज के वीडियो अंदर हम इसी चीजों के ऊपर बात करेंगे कि क्या है वो करेक्ट पॉलिसीज जिनको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है किसी भी एनिमे यूट्यूबर के लिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर 1 पर आ जाता है मोनेटाइजेशन रूल्स। तो यूट्यूब के रूल बुक के मुताबिक आपको एक साल के अंदर 4K का वॉच टाइम चाहिए होता है, उसके साथ साथ आपको 1K सब्सक्राइबर रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप ये रिक्वायरमेंट कम्प्लीट करेंगे तो आप अपने चैनल को अंडर रिव्यू में भेज सकते हैं, जहाँ पर ऑफिशियली यूट्यूब आपका चैनल रिव्यू करता है, जहाँ पर वो डिसाइड करता है कि आपको चैनल को मोनेटाइज करना है या नहीं। लेकिन मोस्टली एनिमे यूट्यूब चैनल्स नियरली 80-70% फर्स्ट टाइम में रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसके बिग रीजन बताई जाती है रीयूज कंटेंट। अगर हम डिटेल में बात करें कि रीयूज कंटेंट क्या होता है, तो मोस्टली एनिमे यूट्यूबर्स जो कि क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बैकग्राउंड में, वो मोस्टली यूट्यूब से ही डाउनलोड करते हैं। और बाकी जो सेकेंड चीज रह जाती है वो रह जाती है वॉइस। तो यूट्यूब की जो पॉलिसीज हैं उसके मुताबिक आपको अपनी वीडियोस के अंदर ओरिजिनल वॉइस का इस्तेमाल करना होता है, जो कि आपकी अपनी पर्सनल वॉइस है, तभी यूट्यूब आपकी वीडियोस को जेन्युइन कंटेंट समझेगा। और यही मिस्टेक है जो कि सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स करते हैं, वो सिर्फ बैकग्राउंड में म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है एनिमे म्यूजिक वीडियोस। वो मोस्टली एनिमे के क्लिप भी यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं और उसके बाद जो वॉइस होती है वो भी यूट्यूब से डाउनलोड करती है, जिसकी वजह से यूट्यूब इन वीडियोस को रीयूज कंटेंट में डाल देता है। तो अगर अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आपको लाजमी अपनी ओरिजिनल वॉइस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ AI जनरेटिंग वॉइस को भी YouTube किसी तरह भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है जो कि हर यूट्यूबर को पता होना चाहिए अगर आप अपना चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक। तो यूट्यूब के जो रूल बुक्स हैं उसके मुताबिक आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर 85% व्यूज उन वीडियो से आने चाहिए जिनके ऊपर कोई भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं है। बेशक आपके चैनल पर 3 या 4 वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम मौजूद है, इससे यूट्यूब को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इवन के आपके चैनल पर एक स्ट्राइक भी मौजूद है, क्योंकि जब भी आपका चैनल अंडर रिव्यू में जाता है तो यूट्यूब आपकी सबसे पॉपुलर वीडियोस देखता है जो कि आपके चैनल पर मौजूद है। और अगर आपके चैनल पर जो सबसे ज्यादा व्यूज उन वीडियो से आए हैं जिनके अंदर आपने अपनी ओरिजिनल वॉइस का इस्तेमाल किया है और उन पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक नहीं है, तो यूट्यूब आपका चैनल की मोनेटाइजेशन रिक्वेस्ट इजिली अप्रूव कर देगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने अपने इसी चैनल के साथ फेस किया हुआ है। मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक और 3 कॉपीराइट क्लेम मौजूद थे, लेकिन स्टिल मैंने अपना चैनल अंडर रिव्यू में भेजा था और 2 दिन के अंदर मेरा चैनल एक्सेप्ट हो गया था। तो कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक इतना ज्यादा बिग इशू नहीं है, लेकिन अगर आप हद से ज्यादा जाएंगे तो यूट्यूब आपका चैनल डिलीट कर सकता है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि क्यों यूट्यूब ऐसे रूल्स बनाता है, जिसकी बिग रीजन है वैल्यू ऑफ एड्स। तो अगर आपको यूट्यूब से $100 कमाने हैं तो उसके लिए आपको नियरली 2 लाख व्यूज चाहिए होते हैं, और नियरली 2 लाख व्यूज हासिल करने के लिए आपको नियरली 4K का वॉच टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अगर यूट्यूब स्मॉल यूट्यूबर्स के चैनल्स को भी मोनेटाइज करने लग पड़ेगा तो उन्हें अपनी फर्स्ट पेमेंट भी हासिल करने के लिए 3 से 4 साल का वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब एड के पैसे सिर्फ उन्हीं यूट्यूबर्स को देता है जिनके चैनल मोनेटाइज होते हैं। अगर तो हर एक चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाएगा उसके बाद एड की वैल्यूज 100% कम हो जाएगी, जिसके बाद एक नॉर्मल यूट्यूबर को $100 कमाने के लिए भी 5 से 6 मिलियन व्यूज चाहिए होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा होंगे किसी भी यूट्यूबर के लिए, जिसकी वजह से यूट्यूबर्स यूट्यूब से कुछ भी अच्छी अर्निंग नहीं कर सकेंगे। तो ये 4K का वॉच टाइम या 1K सब्सक्राइबर्स के जो रूल हैं, ये असल में यूट्यूबर्स को ही प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से एड सिर्फ उन्हीं यूट्यूबर्स को दिए जाते हैं जो कि रियल में अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं या बेहतर कॉन्टेंट प्रोवाइड करते हैं और उनको ज्यादा व्यूज हासिल होते हैं। तो अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको अपने कॉन्टेंट को इतना वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा ताकि आपकी वीडियोस पर जेन्युइन व्यूज आए और आप मिलियंस में व्यूज हासिल करें, तभी आप यूट्यूब से अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। तो ये है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हर एक एनिमे यूट्यूबर को जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो यूट्यूब को अच्छे तरीके से समझ पाए और उसके मुताबिक काम करे। वरना अगर आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे और 1000 वीडियोस रॉन्ग कंटेंट बनाएंगे तो आपका यूट्यूब चैनल स्टिल मोनेटाइज नहीं होगा और आपकी तमाम मेहनत जाया हो सकती है। तो भी कितना वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको एनिमे के रिलेटेड बेस्ट वीडियोस बनाता रहूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।